दोस्तों आपके लाए अच्छी खबर और एक लाए हूँ बुरी खबर। पहले कौन सुनना चाहोगे, अच्छी की बुरी? चलो पहले तो मैं अच्छी सुना देता हूँ। अच्छी खबर ये है कि लियो मूवी का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन बुरी खबर ये है कि यार हिंदी में नहीं आया। मैं तुम्हें पता कब से वेट कर रहा था, कब से कि आएगा 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 आएगा। भाई उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि 6:30 बजे तक आ जाएगा। भाई मैं पता ऐसे टक होके बैठ गया, ऐसे रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर जा रहा हूँ। तमिल में आ गया, कन्नड़ में आ गया, तेलुगु में आ गया, हिंदी में नहीं आया। भाई मैं परेशान, मेरे को लगा मेरे फ़ोन में दिक्कत आ गई, मैंने दूसरे का फ़ोन लिया, मैं उसमें चेक करा, उसमें भी नहीं आया। मैं बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, हिंदी का देखेंगे नहीं, हम देखेंगे तमिल में, क्योंकि मेरे को देखना था। मैं पागल भाई डेस्परेट हो रहा था, डेस्परेट। फिर मैंने ऑन कर लिया तमिल में ही। तमिल में भाई वो देख के जो सुकून मिला ना, जो मुझे उम्मीद थी भाई, उस पर खड़े उतरे। ठीक है, खड़े उतरे कतई भाई। जो उसके अंदर उन्होंने सीन्स लिए हैं ना, गाड़ी का कूदना, गाड़ी का सारे उछाल देना, उसके बाद इन्होंने कुत्ता जो भाई वो डंडे को खा रहा होता है, वो मतलब एक से बढ़कर एक सीन लिए हैं यार। ट्रेलर को देख के से इतना समझ में आ रहा है कि विजय सेला को इतने वो बुरे लोगों में फंस जाते हैं, धीरे धीरे करके वो बुरी चीज़ें छोड़ देते हैं, अच्छी चीज़ों में आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ने बच्चों के साथ बच्चा बीवी का ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती जो बुरे लोग होते हैं। वो अगर आप किसी बुरी चीज़ में फंस चुके हो तो भाई वो आपको बर्बाद कर देगी, आगे भी आपको जीने नहीं देगी, कहीं ना कहीं आपके सामने आएगी। और मूवी में भी यही होता है भाई, वो दोबारा उनके सामने आ जाती है, और सामने आने के बाद दोबारा वो घसीटते हैं अपने साथ उस काम के अंदर, और उनकी बच्ची को भी शायद अगवा अगवा कर लेते हैं। मूवी में एक डायलॉग था, ट्रेलर में एक डायलॉग था कि तूने मेरी फैमिली को कैसे, तुमने मेरी फैमिली को हटाने की कोशिश कैसे करी, जो कि एक बहुत इमोशन के साथ विजय थैलापति बोलते हैं। इमोशन जो है ना वो जग रहा है भाई, निकल के आ रहा है अंदर से, बिल्कुल ही कसम से मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कितना तगड़ा लग रहा था वो सीन। ठीक है, और उसके बाद वो बच्ची को और अपनी बीवी को शायद बचाने के लिए वो दोबारा एक बैड एस रोल लेते हैं, और बैड एस रोल जो लेते हैं वो इतना खतरनाक लग रहा है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा है। संजय दत्त की जो उसके अंदर एंट्री है वो भी बहुत तगड़ी लग रही है। कुछ अपडेट्स की वजह से मुझे पता चला है कि संजय दत्त जो है वो उनके पापा होने वाले हैं, वीर थलापति के बाप होने वाले हैं, और उसके और उनका भी कुछ कुछ सीन लिए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे से हम बता नहीं सकते उनके सीन्स के बारे में, क्योंकि बहुत कम सीन्स डाले गए हैं ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा बना है, लेकिन जो संजय दत्त के सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। अब मूवी के अंदर भी सीन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा दोस्तों। और मूवी मेरे को कसम से ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देगी इस बार, बहुत ख़तरनाक मूवी होने वाली है। जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा अच्छा आया। और जो इसका भाई BGM जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना भाई, वो तो अनकम्पेरेटेबल है भाई, कसम से इतना अच्छा ना, मेरे को उम्मीद ही नहीं था, मज़ा सा आ गया वो सुन के। लेकिन सबसे बड़ा दुख में उसे इस बात का हुआ कि यार हिंदी में नहीं आया ट्रेलर, मैं हिंदी का वेट कर रहा था। वो उन्हें पहले ही बताया था कि हिंदी में जल्दी नहीं दे पाएंगे, 9 बजे आएगा ट्रेलर और मैं 6:30 बजे से वेट कर रहा हूँ। तो इस बात का मुझे दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि फाइनल लियो का ट्रेलर आ चुका है, मूवी आ जाएगी 19 तारीख को थिएटर्स में, सब लोग चलेंगे देखें दोस्तों। मेरे को विश्वास है तुम लोग जरूर आओगे, मैं मिलूंगा EF3 मॉल में। अभी के लिए सर रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ विलर, रोज मिलूंगा आपको यहीं पर अकेला, तब तक के लिए राम राम मेरे दोस्तों।